आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही बड़ी जानकारी लेके आया हूँ। जी हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि एनसीसी क्या है। कुछ लड़के और कुछ लड़कियों को नहीं मालूम है कि एनसीसी कैसे किया जाता है या इसका सर्टिफिकेट कैसे मिलता है, इसे मिलने के बाद डायरेक्ट आर्मी में कैसे भर्ती होते हैं और साथ ही साथ इसके क्या फ़ायदे हैं। तो आज हम A to Z आपको बताएंगे एनसीसी के बारे में, ठीक है। सबसे पहले मैं ये आपको बताऊंगा कि यदि आपने अब तक एनसीसी नहीं किया है तो उसे कैसे एनसीसी आप ज्वाइन कर सकते हैं और एनसीसी का सर्टिफिकेट लेके डायरेक्ट आप लड़के हो चाहे लड़की हो आर्मी में कैसे भर्ती हो सकते हैं और इसकी जो स्पेशल एंट्री भर्ती आती है वो कब आती है, कितनी पोस्ट होती है, सारी बात हम बताएंगे कि एनसीसी है क्या, क्लास 9th पास, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन पास कैसे मिलता है, एनसीसी का फ़ायदा क्या है, एनसीसी होने से डायरेक्ट भर्ती कैसे होते हैं। आज मैं आपको A to Z पूरी बात बताऊंगा कि एनसीसी करने के बाद आप इंडियन आर्मी में, इंडियन नेवी में, इंडियन एयरफोर्स में कैसे डायरेक्ट भर्ती हो सकते हैं, देश की सेवा कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताएंगे आज एनसीसी के बारे में, ठीक है। सभी लड़के लड़कियों का कुछ कमेंट आ रहा था कि एनसीसी के बारे में बता दीजिए। सबसे पहले ये बता दूं, आज तक जिसने एनसीसी नहीं लिया है उसके लिए सबसे बड़ी न्यूज़ मैं आज आपको बता रहा हूँ। जो एनसीसी है, एनसीसी जो है ना वो क्लास 9th पास मिलती है। जो आप 9th में होते हैं ना, जो लड़के लड़की पढ़ते हैं, वो 9th में ही मिल जाती है एनसीसी। यदि आपने 9th में नहीं लिया, मान लीजिए 9th में नहीं लिया, क्लास 9th पास मिलती है, 10th में मिलती है, 11th में मिलती है, 12th में मिलती है, यानी इन 3 सालों में आपको एनसीसी सर्टिफिकेट का 3 सर्टिफिकेट मिलता है। एनसीसी सर्टिफिकेट का ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट। यदि एनसीसी का ए सर्टिफिकेट आपको मिलता है तो आपको 5 नंबर आर्मी में छूट मिलते हैं। यदि आपने एनसीसी बी सर्टिफिकेट लिया है तो आपको 10 नंबर छूट मिलता है। यदि आपने सी सर्टिफिकेट लिया है तो आपको एग्ज़ाम फ्री होता है, बिल्कुल फ्री होता है। किसी भी डिफेंस के जॉब की एग्जाम आपको नहीं देना होता है। खास तौर से आर्मी में इसकी स्पेशल एंट्री वैकेंसी आती है तो आपको बिना एग्जाम दिए आप आर्मी में जा सकते हैं। सबसे पहले ये बता दूं, यदि आपने ए नहीं किया है तो आप बी नहीं कर सकते हैं, यदि आपने बी नहीं किया है तो सी नहीं कर सकते हैं। शुरुआत ए बी सी से करनी रहती है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लड़के लड़कियों ने अगर 12th तक एनसीसी नहीं किया है, वो चाहते हैं कि उसके बाद एनसीसी करना, उसके बाद भी एनसीसी होता है। आपने ग्रेजुएशन का नाम सुना होगा जिसे बीए कहते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट या बीएससी, ठीक, उसमें भी एनसीसी मिलती है। उसमें आपको जो 3 साल का कोर्स होता है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, उसमें भी आपको ए बी सी एनसीसी मिलती है। आप चाहे तो ग्रेजुएशन में भी एनसीसी ले सकते हैं आराम से अपने कॉलेज के माध्यम से। साथ ही साथ इसके डिफेंस में क्या फायदा है मैं आपको वो बताऊं। आर्मी में, स्पेशली आर्मी में, ARMY आर्मी में इसकी जॉब आती है डायरेक्ट, सिर्फ एनसीसी को लिया जाता है, एनसीसी वालों को सिर्फ लिया जाता है, सिर्फ फिजिकल निकालना रहता है, ठीक है, मेडिकल क्लियर करके वो लोग तुरंत भर्ती हो जाते हैं बिना किसी एग्जाम दिए। साथ में SSB का हो गया, जो भी आपको एग्जाम देना होता है, CDS का जो भी आपको एग्जाम देना होता है, उसमें भी आपको भारी छूट मिलती है। एग्जाम ना के बराबर होता है, एग्जाम बिल्कुल नहीं देना पड़ता है, उसमें भी डायरेक्ट आपको भर्ती ले लिया जाता है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि इसकी जो स्पेशल एंट्री मैन वुमेन की आती है, वो उसकी एज लिमिट क्या होती है। कितने लड़के लड़कियों को प्रॉब्लम होता है कि मुझे एज के बारे में नहीं मालूम है, यदि एनसीसी में किया हूं तो कितनी एज तक मैं भर्ती देख सकता हूं, तो वो अभी मैं आपको क्लियर बता देता हूं। यदि आपने एनसीसी किया है, मैन वुमेन दोनों, तो आर्मी में जो जॉब आती है वो आती है 19 से 25 साल तक आप आराम से देख सकती हैं बिना किसी एग्जाम दिए। साथ ही साथ आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, यदि आपने ग्रेजुएशन किया है तो कम से कम 50% आपका ग्रेजुएशन में रहना चाहिए और आपका एवरेज एक्यूरेट ए बी और ग्रेड इन एनसीसी सी सर्टिफिकेट यदि आपका होगा तो आपको डायरेक्ट एनसीसी की भर्ती आती है। उस वो साल में एक बार फिक्स है कि आती है, ठीक है, कभी कभी 2 बार भी आ जाती है, लेकिन साल में एक बार फिक्स है कि वो आती है एनसीसी के लड़कों के लिए और आप डायरेक्ट भर्ती हो सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि यदि यहाँ तक आपको मेरी पूरी बात समझ आ गई हो और आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है दबा दीजिए। और हमारे एक फ्रेंड का एक नया चैनल है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बना रहे हैं आप सभी को इंटरटेनमेंट के लिए, उनकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में वीडियो पड़ी होगी, जाके प्लीज उस चैनल पे देख लीजिए और एक बार चैनल को उनके सब्सक्राइब कर दीजिए। यहां तक यदि आपने वीडियो देखा है तो धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे अच्छी जानकारी लेके साथ।